हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, कैसे हैं आप सब लोग। देखो अभी 3:45 हो रहे हैं सुबह के। मैं उठी तो मेरे साथ साथ ये भी उठ गया था। इसको समझ में आ जाता है कि मम्मा उठ गई है, मुझे भी उठना है। दोस्तों आज हम जाने वाले हैं गांव। आज सुबह की हमारी 6 बजे की ट्रेन है, तो उससे पहले हमें खाना बनाना है, क्योंकि जिस ट्रेन में हम जा रहे हैं ना उस ट्रेन में खाना नहीं है। जो हमने पहले राजधानी वाला टिकट किया था उसमें तो हमें टिकट मिला नहीं, वेटिंग में था लेकिन वेटिंग कन्फर्म नहीं हुआ था। तो अभी हमने दूसरी ट्रेन की है जिसमें नॉन फूडिंग वाला है, वो फिर सोचा है कि खाना बना के ले जाना है। मेरी सासू माँ भी उठ गई थी तो वो बेबी को देख रही है और मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। ये रात में दलिया भिगो दिया था, सबसे मेन यहाँ पे दलिया ही है। ये दोनों बच्चों के काम आएगा 2 दिन तक, अगर इस पे बदबू नहीं आएगी तो। और यहाँ पे छोले भी बना रही हूँ, क्योंकि परसों मैं छोले लेके आ गई थी ना, तो मेरे हस्बैंड ने बोला इन्हीं को बनाओ नहीं तो ये 1 महीने तक खराब हो जाएंगे। साथ में मैं आलू की सब्जी भी बनाऊंगी, दलिया भी बनाऊंगी, छोले भी बनाऊंगी, पूरी भी बनाऊंगी और रोटी भी बनाऊंगी, क्योंकि आज सुबह भी हम नाश्ता नहीं करेंगे। दिन में, रात में, दूसरे दिन तक तो खाना चलेगा नहीं, लेकिन रात तक तो हमारा हो ही जाएगा। तो अभी देखो मैंने आटा भी यहाँ पे लगा लिया है पूरी के लिए और रोटी के लिए। दोस्तों आप लोगों ने मुझे बहुत वीडियो में पूछा कि आप ना हाथ पे कुछ क्यों नहीं पहनते हो, तो मैं हाथ पे इसलिए कुछ नहीं पहनती हूँ क्योंकि अगर मैं कड़े वगैरह पहनती हूँ ना तो वो मेरे छोटे वाले बेबी के ना सर पे चुपते हैं। जैसे मैं उसको गोदी में बिठाती हूँ ना, तो उसको फीडिंग कराती हूँ, उसको गोदी में पकड़ती हूँ, तो कभी ना उसके सर पे जोर से चुप जाता है। इसलिए मैं धूड़िया है, कड़े हैं, वो निकाल के रखती हूँ रात में, सुबह और कभी कभी पहन लेती हूँ। देखो दलिया भी हमारा बन गया है और मैं यहाँ पे आलू की सब्जी बना रही हूँ। आलू मैंने कल रात में ही बॉईल कर दिए थे, रात में तो क्या मतलब 10 बजे बॉईल किए हैं और मैं ना 12 बजे सोई थी, कपड़े ही रख रही थी छोटे के, बड़े बच्चे के, अब तो 2-2 बच्चे हैं। मैं सिर्फ 2-3 ही घंटे सोई होंगी, फिर मैं 2:45 बजे उठ गई थी। यहाँ पे साथ साथ में मैं बर्तन भी धो रही हूँ क्योंकि अभी ना पूरा क्लीन करके जाना है, हमें 1 महीने बाद आएंगे तो पूरा साथ साथ में सारा काम होना चाहिए। घर वाले भी सो गया था और मेरी सासू माँ आ गई थी मेरे साथ खाना बनाने के लिए, वो पूरियां बेल रही थी और मैं यहाँ पे उनको फ्राई कर रही थी, तो जल्दी जल्दी हमारा काम हो गया था। यहाँ पे हमने बहुत पतली पतली और छोटी छोटी पूरियां बनानी है, क्योंकि पूरी ना बाद में अगर मोटी बनी हो ना तो पूरी फिर ऐसे लगती है, जब वो बासी हो जाती है तो मोटी सी लगती है, इसलिए हमने बिल्कुल पतली बनाई थी। और यहाँ पे मैं टिफिन ये पूरा पैक करने लगी हूँ, इसमें धनिया डालना मैं भूल गई थी तो इसके ऊपर से मैंने धनिया डाल दिया है। जो बैग है ना वो तो हमारे खाने का ही हो गया था पूरा। फिर एक में मैंने आलू रखा, एक में मैंने दलिया रखा, एक में मैंने छोले रखे और पूरी वगैरह रोटी वगैरह रखी। उधर मेरी सासू माँ जितने बर्तन बचे थे वो धो रही और मैं इधर रोटियां बनाने लगी थी। मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे, वो यहाँ पे खिड़कियां वगैरह बंद करने लगे थे और ये अभी सो ही रखा है और छोटा वाला बेबी भी सो ही रहा था अभी तक। तो मैंने यहाँ पे रोटियां भी बना दी हैं, साथ साथ में मैंने पूरा जो किचन है ना वो भी यहाँ पे क्लीन कर दिया था। और छोटे वाले बेबी के लिए पानी बॉईल करके उसको भी ले जाएंगे हम। हस्बैंड ने तब तक ही खाने वाला बैग भी रख दिया था और मैं भी यहाँ पे रेडी हो गई थी, बस यहाँ पे मैं दिया जला रही थी। छोटे वाले बेबी को हमने अब उठाया था तो अभी ये थोड़ा इरिटेट हो रहा था कि एकदम से उठा दिया रात में। ये दिन भर ना थोड़ा थोड़ा सोता है, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, लेकिन जैसे ही 9 बजते हैं ना ये बहुत अच्छे से सोता है। सुबह तक समझ में आ जाता है कि 9 बज गए हैं और रात हो गई है, लेकिन सुबह तक ना ये बहुत अच्छे से सोता है। तो आज इसकी नींद खराब हो गई थी। हाउस ऑनर है ना अंकल, वही हमें छोड़ने आएंगे क्योंकि उनका ऑटो है ना, तो वही छोड़ने आएंगे। यहाँ पे मैं दरवाजों के नीचे कपड़ा लगा रही हूँ क्योंकि इधर ना स्नैक वगैरह भी बहुत है। तभी तो यहाँ पे सुबह हो गई थी और अंकल हमारा बाहर में वेट कर रहे थे। और देखो ये हमारी मकान मालकिन आंटी है, दोनों को बहुत ज्यादा प्यार कर रही थी, बोल रही थी अब तुम चले जाओगे हमें गंदा लगेगा। छोटा वाला बेबी तो सब डर रखा था कि मैं सुबह सुबह मैं कहाँ जा रहा हूँ, और अभी की तो बस खुशी का कुछ है ही नहीं, अभी तो इतना खुश हो रखा है गांव जाने के लिए। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? गांव। कहाँ जा रहे हो, कैसे लग रहा है? अच्छा। फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए हैं रेलवे स्टेशन में और ये अंकल जा रहे हैं इनको बाय बोल करके। सबसे बड़ा क्या हुआ कि हमारा ना जो ट्रेन था वो जो 6 बजे का था वो लेट हो गया, वो 8 बजे अब चलेगा यहाँ से। तो यहाँ पे हम वेट करते करते थक गए थे। अभी भी बच्चे भी मतलब बच्चों के साथ ट्रेवल करना बहुत मुश्किल होता है, और जब इतना दूर सफर हो ना 24 घंटे हमें ट्रेन में रहना पड़े तो आदमी ना और भी ज्यादा परेशान होता है। सबसे बेकार बात यहाँ की ये है ना कि यहाँ पे गंदगी इतनी है ना, हमारे इधर मतलब अच्छा रहता है और पूरा जो स्ट्रीट लाइट है वो भी जली रहती है और यहाँ पे ना कुछ नहीं जला रहता है, नाम के लिए दिखाने के लिए पूरा सड़कों पे लाइटें हैं लेकिन रात में ना पूरी लाइटें बंद की होती है। यहाँ पे आ गई है हमारी ट्रेन और ये ट्रेन जाएगी आनंद विहार दिल्ली तक। यहाँ से यहाँ पे हम अपनी सीट में बैठ गए, हमें एक कॉर्नर वाली सीट मिली है, एक ऊपर वाली और एक साइड वाली। यहाँ पे तो ये फर्स्ट अभी ये समझने लायक हो गया ना, तो ये देख रहा है कि ये कहाँ जा रहे हैं हम। इनकी मस्ती करने के बाद हमने सुबह यहाँ पे खाना खाया और ये मैं शॉर्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या खाया, कितना कितना खाया। तो यहाँ पे देखो बाढ़ आती है जैसे कि वेस्ट बंगाल में, पूरा देखो पानी हो रखा है यहाँ पे। साथ में हमें
कोई और एक फैमिली भी मिल गई थी जिनकी भी दो लड़कियां थी, तो इनका भी टाइम पास हो गया था हमारे बच्चों का। दोस्तों मेरा सर दर्द तो इतना होने लगा था, मैं तो अभी को लेके सो गई थी, और छोटा वाला बेबी अपनी दादी के साथ लेट गया था, उसके बाद ये भी उठ गया था, इसके पापा इसको खिला रहे थे, और मुझे तो ना बहुत सर दर्द हो रहा था, तो इसकी दादी और इसके पापा ही इसका ख्याल रख रहे थे, क्योंकि एक तो मैं सो ही नहीं रात भर, उसके बाद पूरिया वगैरह जो बनाए ना उसकी वजह से मेरे सर में गैस हो गई थी, सर तो इतना तेज दर्द कर रहा था ना, फिर ये लोग मुझे बोल रहे थे कि तू आराम ही कर ले। दोस्तों जी ये सफर है ना ये इतना लंबा है ना, और ये ट्रेन बहुत ज्यादा लेट हो गई है, और ये कल और भी ज्यादा लेट हो गई है, पता नहीं हमें कल दिल्ली कब तक पहुंचाएगी। चलिए दोस्तों बाकी कल के व्लॉग में मिलते हैं, यहाँ पे हम अभी सोने की तैयारी कर रहे हैं है नेक्स्ट व्लॉग में, और जुड़े रहिए अब कंटिन्यू मेरे व्लॉग देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।